वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग क्रिएटर ऑफ एशिया आफ्टर टोटल गेमिंग, वो है टेक्नो गेमर्स एके उज्जवल चौरसिया। लेकिन क्या हो अगर आज मैं उन्हें फ्री फायर खेलने के लिए इन्वाइट करूं? तो गाइस आज हम लोग दोपहर से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर। इस वीडियो की प्लानिंग मैं पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ एंड इसकी अनाउंसमेंट मैंने आज से 2 महीने पहले ही कर दी थी। बट इन 2 महीनों के अंदर मैंने टेक्नो भाई से कांटेक्ट करने की हर एक पॉसिबल कोशिश की, बट ऑफ कोर्स एशिया के इतने बड़े गेमिंग क्रिएटर से बात करना आसान काम नहीं है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 2 महीने पहले, जब मेरे मन में अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना एशिया के सबसे बड़े गेमिंग क्रिएटर टेक्नो गेमर्स को अपना फ्री फायर गेम खेलने के लिए अप्रोच किया जाए। वैसे तो वो अपने चैनल पे मल्टीपल गेम्स की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, बट आपने उनके चैनल पे शायद से ही फ्री फायर की गेम प्ले वीडियो देखी होगी। और उज्जवल भाई ने लास्ट टाइम फ्री फायर गेम को आज से करीब 2 साल पहले खेला था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि उज्जवल भाई ने 2 साल से कोई भी फ्री फायर गेम प्ले वीडियो अपलोड नहीं की है? बस इसी का रीजन पता करने के लिए मैं निकल पड़ा। सबसे पहले तो मैंने उज्जवल भाई से कांटेक्ट करने के लिए हर वो रास्ते अपनाए जो एक आम सब्सक्राइबर, जो एक आम आदमी अपनाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनको इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम किया। सेकेंडली मैंने उन्हें उनके बिजनेस ईमेल पर एक ईमेल लिखा। बट मैं 99% श्योर था कि इन दोनों में से कोई भी रास्ते वर्क करने वाले नहीं है, बिकॉज एज अ क्रिएटर आई नो कि कितने ईमेल्स और कितने डीएम्स डेली आते हैं और इस तरीके से किसी भी बंदे से रिप्लाई करके बात करना पॉसिबल नहीं होता है। और जब आप एशिया के इतने बड़े गेमर हो तब तो क्या ही पूछना। अब ये दोनों रास्ते तो वर्क नहीं किए तो मुझे समझ में आ गया था कि अब उज्जवल से डायरेक्ट कांटेक्ट होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसीलिए अब मैंने उनके बड़े भाई अंकित चौरसिया के इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम किया एंड साथ ही साथ मैंने उज्जवल भाई के मैनेजर को भी डीएम किया। अब इतना सब करने के बाद मुझे पूरा भरोसा था कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिस्पांस तो जरूर मिलेगा। बट 1 वीक से भी ज्यादा टाइम बीत चुका था एंड अभी तक किसी की भी साइड से कोई रिस्पांस नहीं था, ना ही उज्जवल भाई की तरफ से, ना ही उनके मैनेजर की साइड से, ना ही उनके बड़े भाई के साइड। और अब मैं बहुत ही ज्यादा सैड हो चुका था क्योंकि मैंने आप लोग से प्रॉमिस कर दिया था और मैं सोचने लग गया कि यार अब क्या ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा, क्या ये प्लान हो पाएगा। बट पूरे के पूरे 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे अंदर उम्मीद की किरण फिर से जगा। हाँ, तो मुझे उनके बड़े भाई यानी कि अंकित चौरसिया का रिप्लाई आया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस चीज के रिगार्डिंग टेक्नो भाई से यानी कि उज्जवल भाई से बात करूंगा, बट करंटली वो अपने किसी वीडियो शूट पर बिजी है। अब इसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि हम इस प्लान में सक्सेस हो सकते हैं। इसके बाद मैंने पूरे 10 दिन तक अंकित भाई के रिप्लाई का वेट किया, बट उनकी साइड से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तभी अगेन कुछ ऐसा हो गया कि पूरे प्लान पर, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब मैं अंकित भाई के रिप्लाई का वेट ही कर रहा था, मेरे अंदर फिर से इतनी सारी उम्मीदें जाग गई थी। लेकिन यार तभी क्या हुआ कि इंस्टाग्राम ने मेरा वो अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया और यार एक बार फिर से अपना प्लान सक्सेस होते होते फेल हो गया। अब यार सैडली मुझे उनकी साइड से तो इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन जब मैंने इस पे रिसर्च की तो मैंने पाया कि सिर्फ टेक्नो गेमर्स ही नहीं और भी काफी सारे बड़े बड़े अदर कम्युनिटी के गेमर्स, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े मतलब ये बड़े बड़े जो इनके जो ये जो बड़े बड़े क्या है ये जो भी है लाइक कैरियमनाटी, मिथ पैट, स्ले पॉइंट एंड अदर कम्युनिटी के जो भी क्रिएटर्स हैं उनका कोई ना कोई गेमिंग चैनल जरूर है, बट आपने उनके गेमिंग चैनल्स में कभी भी फ्री फायर की वीडियो नहीं देखी होगी और अगर देखी भी होगी तो 1-2 साल पहले देखी होगी। उज्जवल, मिथ पैट, फुकरा इंसान, इन सब ने आज से करीब 2 साल पहले फ्री फायर को अपने अपने गेमिंग चैनल्स पर खेला था एंड कैरियमनाटी ने भी आज से 3 साल पहले फ्री फायर को खेला था। और ऐसा नहीं है कि इन्हें इस गेम में रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता है, इसमें ऑडियंस का अच्छा खासा सपोर्ट, रिस्पॉन्स, व्यूज सब कुछ देखने को मिलता है। इवन कैरियमनाटी की तो मोस्ट पॉपुलर लाइव स्ट्रीम भी फ्री फायर की है। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि इन क्रिएटर्स ने खुद से कभी भी फ्री फायर गेम को खेला ही नहीं है। मतलब आपने ये जो वीडियो देखी जो कि इन्होंने डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल्स पर, ये भी वीडियो स्पॉन्सर्ड है। मींस खुद फ्री फायर ने फुकरा इंसान, टेक्नो गेमर्स, कैरियमनाटी, मिथ पैट इन सबको पैसे दिए हैं उस गेम को खेलने के लिए और उन्हें उस वीडियो को अपलोड करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट मिला है जो कि आज से उन्होंने 2 साल पहले या 3 साल पहले अपलोड करी है। तो अब आप लोग खुद ही सोचो, अगर किसी गेम को खेलने के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप क्यों ही उसे बिना मतलब खेलोगे, बिना मतलब उसकी वीडियोस अपलोड करोगे, जब आपके पास कम्युनिटी के अंदर ढेरों ऑप्शंस हैं, कई प्रकार के गेम्स हैं। और इसका एक रीजन और भी हो सकता है कि इस गेम को आज से 2 साल पहले इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया था, तो कोई क्रिएटर क्यों ही एक बैन गेम को आकर खेलना चाहेगा। एंड आपको ये भी पता है कि इस कम्युनिटी के अंदर कितनी टॉक्सिसिटी है, ऑडियंस कैसी है, क्रिएटर्स कैसे हैं, सारी चीजें आपको पता ही है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको ये सारी चीजें पता ही होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कोई क्रिएटर इसी रीजन से इस कम्युनिटी के अंदर नहीं आना चाहता है, इस गेम को नहीं खेलना चाहता है और इसी वजह से हमारी कम्युनिटी धीरे धीरे करके डेड होती जा रही है। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो कि आपको मैं देना चाहता था क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे काफी दिनों से, जब से मैंने अनाउंसमेंट की थी कि हर्ष भाई आपके और टेक्नो भाई के कोलैब का क्या हुआ, आखिर कब आएगी वीडियो। और बात रही टेक्नो भाई से कांटेक्ट करने की, तो मैंने एज अ नॉर्मल ऑडियंस, एज अ सब्सक्राइबर कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन अगर मैं एज अ क्रिएटर बात करने की कोशिश करता तो वैसे तो मेरे पास मिथ पैट भाई का कांटेक्ट नंबर है, साइमन सेस भाई का कांटेक्ट नंबर है, मैं किसी को भी डायरेक्टली कॉल करके भी बात कर सकता था। बट यार क्यों किसी को किसी चीज के लिए फोर्स करना या किसी को परेशान करना, वो भी गेमर्स हैं, वो भी अपनी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे गेम्स ही खेल रहे हैं।
हैं। भाई देवे, आप लोग का क्या ओपिनियन है इस चीज पे? क्या मुझे टेक्नो भाई से बात करनी चाहिए? क्या मुझे इस चीज के लिए थोड़ा अप्रोच करना चाहिए, थोड़ा सा फोर्स करना चाहिए? तो आप लोग कमेंट्स के अंदर टेक प्रो टेक्नो टाइप कर देना, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग को मेरा और टेक्नो भाई का कोलैब चाहिए। इफ ये पॉसिबल नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं उनके ही चैनल पर उन्हें फ्री फायर गेम प्ले वीडियो अपलोड करने के लिए सजेस्ट जरूर से करूंगा। भाई देवे, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, 20 के लाइक्स का लाइक टारगेट है, फटाफट से लाइक कर दो। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर दो, क्या पता आगे कुछ भी हो सकता है। तो यार इतने सारे लोग, 50% से भी ज्यादा लोग देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे इग्नोर करके चले जाते हो, कितना बुरा लगता है भाई। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दिया। बाकी कुछ लोग भौंक रहे हैं, उनका अगली वीडियो में इलाज करते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। जिनसे ना जली मेरी दाल, ये मसाले मेरे बारे में क्यों छोक रहे हैं? शोर पसंद मुझे सिर्फ मेरी गाड़ी का, तो मुंह बंद करे जो भी भौंक रहे हैं।